गुड मॉर्निंग क्लास, ये हम आपको रिवीजन करा रहे हैं चैप्टर वन का, ठीक है। रिवीजन में क्या है, हमने आपको चैप्टर वन में आपको बता दिया था, ठीक है, कि क्या है जीव जगत, क्या होता है बायोडायवर्सिटी, क्या होता है द्विनाम पद्धति के बारे में बताया था, जिसके जो जन्मदाता थे वो कौन थे, कैरोलस लिनियस थे, ठीक है, और उनकी एक पुस्तक थी नेचुरल सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है, जिन्होंने उसको पूरा उसके में बताया था। हमने आपको क्लासिफिकेशन बताया था, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने बताया था किस तरीके से किसी भी जीव का या पौधे का क्लासिफिकेशन किया जाता है और उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी, ठीक। आज हम आपको बताते हैं संग्रहालय या म्यूजियम का, ठीक है, क्या है संग्रहालय, ठीक, या क्या कहते हैं म्यूजियम, ठीक। म्यूजियम अगर कहा जाए तो वैसे आप लोग जानते हैं कि म्यूजियम एक ऐसी जगह है जहाँ पर जितने भी जीव हैं, या अगर हम फिश देखें, ठीक है, या जितने भी ऐसे एनिमल्स जो बहुत ही रेयर होते हैं उनको वहाँ रखा जाता है और सभी व्यक्ति वहाँ पास घूमने के लिए जाते हैं, है ना, ठीक। तो विद्यालय क्या है, जो संग्रहालय है या म्यूजियम है, वो अगर हम वैसे कहें एक डेफिनेशन के माध्यम से, तो क्या कैसा है कि विद्यालय में या कॉलेजों में ये स्थापित किए जाते हैं और वहीं पास इसका क्या होता है, पूरा अध्ययन किया जाता है, उसको परिरक्षित किया जाता है, ठीक है। अगर पौधों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनको हम प्रिजर्व रखते हैं, प्रिजर्व इसलिए रखते हैं ताकि उसका हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकें और आगे उस प्रक्रिया को हम बता सकें कि वो किस तरीके का प्लांट है, कैसे है और वो कहाँ से पाया जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बता सकें, ठीक। तो संग्रहालय के अध्ययन के लिए क्या है, परिचित पौधे होते हैं, ठीक है, या जंतु होते हैं उनके क्या करते हैं, उनके नमूने या जो उसके स्पेसिमेन होते हैं उसको रखे जाते हैं, ठीक है, ताकि जिसे क्या करते हैं सुरक्षित करते हैं, कैसे, सुखा कर, ठीक है, सुखा कर उसको हम सुरक्षित रख लेते हैं, ठीक। और जैसे कीटों को एकत्र करके मार के उसको डिब्बे में भर लेते हैं, है ना, और उसमें एक ऐसा घोल डालते हैं ताकि वो प्रिजर्व रहे, सुरक्षित रहे, ठीक है। तो उसको घोल जितने भी कीट पतंगे या जो भी होते हैं, सांप मेंढक जो भी चीज़ें होती हैं, उनको क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, परिरक्षित किया जाता है ताकि वो अधिक दिनों तक अध्ययन के लिए उपयोगी हो सके, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है, म्यूजियम में क्या है, बहुत सारे ऐसे कंकाल भी हैं जिन्हें रखा जाता है, ठीक है। हमारे कुछ प्रमुख म्यूजियम जो हैं इंडिया में, वो देख लीजिए, जैसे हमारा नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, ठीक है, ये जो है वो कहाँ पास है, लंदन में स्थापित है, ठीक है, कहाँ है, लंदन में, ठीक। दूसरा अगर कहें नेशनल म्यूजियम, दूसरा क्या है हमारा, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है, ये कहाँ है, जो हमारा मुंबई की है, इंडिया में ही है, ठीक है, न्यू दिल्ली में, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे म्यूजियम हैं, ठीक है, जो कि स्थापित किए गए, ठीक है, कोलकाता में है जैसे इंडियन म्यूजियम, मुंबई में है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, ठीक है। तो इस तरीके से सारे म्यूजियम को स्थापित किया गया है जहाँ पर कि पतंगे या जो भी जीव होते हैं उनको क्या किया जाता है, प्रिजर्व, सुरक्षित किया जाता है, ठीक है, चाहे पौधे हो और चाहे जंतु हो, सभी को संग्रहालय में परिरक्षित किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वनस्पति उद्यान, ठीक है, क्या है, वनस्पति उद्यान, ठीक, जिसे क्या बोलते हैं, बॉटनिकल गार्डन, ठीक, क्या बोला जाता है, बॉटनिकल गार्डन कहा जाता है। वनस्पति उद्यान क्या है, विभिन्न प्रकार के पौधों की जातियों को लगाकर उसे सुरक्षित करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, चारों ओर से उस क्षेत्र को घेर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो कि धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर आ रही हैं, ठीक है, तो ऐसी जातियों को क्या करते हैं, हम उसको लगाते हैं ताकि उसकी नई उन्नत जातियाँ नई किस्में उत्पन्न हो सके, ठीक है, और धीरे धीरे क्या है, आगे वो बढ़ सके, ठीक। तो विलुप्त हुई जातियों को हम इसको क्या करते हैं, चारों ओर
एक ऐसा क्षेत्र बनाते हैं जहाँ पास उस पौधे के या उस प्रकार के पौधों को हम उगा सकें और उसको आगे बढ़ा सकें। ठीक, इसमें यही क्या कहलाता है, वनस्पति उद्यान या बॉटिकल गार्डन कहलाता है। ठीक है, इसका विशेष महत्व क्या है, वर्गीकरण के लिए अगर हम किसी भी जीव जातियों को हमें चाहिए हो, ठीक है, तो वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, अगर हमें किसी चीज़ का रिसर्च करना है, किसी के बारे में हमें अध्ययन करना है, तो अगर हम इसको वनस्पति उद्यान या बॉटिकल गार्डन में उगाएंगे तो उसका अध्ययन, क्योंकि उसको हम ला के आसानी से उसका अध्ययन कर सकते हैं, है ना। ठीक, कुछ हमारे जो वनस्पति उद्यान है, पादप उद्यान है, जैसे पहला हमारा है रॉयल बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, जो कि कहाँ है, कोलकाता में स्थित है, कलकत्ता में ये स्थित है। ठीक, दूसरा हमारा जो है वो क्या है, नेशनल बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या किया जाता है, एक ऐसा जगह स्थान बना दिया जाता है जहाँ पर हम पेड़ पौधों को उगा सकते हैं और परीक्षित उसको करते हैं, ताकि अगर हमें कोई भी अध्ययन, कोई भी रिसर्च करना हो, तो आसानी से वो रिसर्च हम कर सकें उस पौधों को वहाँ पास से लाके। ठीक है, हमने आज आपको बताया म्यूजियम या संग्रहालय क्या होता है और क्या बताया, वनस्पति उद्यान क्या होता है। ठीक है, एक पॉइंट और बता दें, हार्बेरियम क्या होता है। ठीक है, हार्बेरियम क्या होता है, हार्बेरियम में जैसे आप लोग ने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कॉपी के अंदर प्लांट को रख लेते हैं और उसको सुखाकर उसको टेप वेप से चिपका के उसका नामकरण करते हैं, है ना। ठीक, तो वो हार्बेरियम कहा जाता है। हार्बेरियम में क्या होता है कि पन्नों के, बहुत सारे पन्नों के पेजेस होते हैं। ठीक है, ये क्या है, पौधों और जंतुओं को के का संग्रहालय, एक तरीके से कह सकते हैं कि संग्रहालय होता है, जिसमें क्या होता है, वर्गीकरण की पद्धति के अनुसार इसे रखा जाता है। इसे क्या करते हैं, हार्बेरियम शीट आती है, एक पेज की शीट आती है इस तरीके से। ठीक है, तो इस शीट पर क्या करते हैं, उसको हम, कोई भी प्लांट अगर हमारा आया तो उस प्लांट को हमने रख लिया, उसको हमने टेप से पेस्ट कर दिया, उसके बाद उसको कहाँ से हमने प्राप्त किया है वो चीज़ लिख देते हैं, उसका बॉटनिकल नेम या जूलॉजिकल नेम क्या है, ठीक है, किसने कलेक्ट किया वो लिख देते हैं। तो इस तरीके से हम हार्बेरियम को क्या करते हैं, प्रिजर्व रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, ताकि ये हमारा अध्ययन के लिए आगे सुरक्षित रहे। ठीक है, हार्बेरियम को तैयार करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे हमारा टेप हो गया, प्लांट हो गया, जिस भी प्लांट का हम हार्बेरियम बना रहे हैं, है ना, कैंची हो गई, चाकू हो गई, ठीक है, पेजेस हो गए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, या वैक्यूम बाग, या पादप प्रेस, जो प्लांट प्रेस होती है, या हम कॉपी के अंदर दबा के रख देते हैं ताकि वो सेम वैसे ही बना रहे और सूख जाए आसानी से, ताकि हमें पेस्ट करने में आसानी हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम हार्बेरियम को क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, तो आज हमने आपको बताया कि म्यूजियम क्या होता है, संग्रहालय क्या होता है, वनस्पति उद्यान क्या होता है और हार्बेरियम क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस करेंगे। ओके, हैव अ गुड डे।